फैसला आता है, अगर फैसला जनता के बीच में आ जाता है तो ठीक है, ना आता तो हम लोग आंदोलन के नाम पर तो जमा किए थे। अच्छा, शादी के नाम पर आपने जमा किया था पैसा सहारा इंडिया में? सहारा इंडिया में मैंने डेली आप देते थे या मंथ में देते थे? मंथली देते थे। कितना महीना में देते? डेली भी देते थे। अच्छा, खाता चलाते थे आप? दो गो चलाते थे। रामजी चौधरी। रामजी चौधरी, आपका घर कहाँ पर हुआ? ओबरा। अच्छा, अब सहारा इंडिया परिवार में कब से पैसा डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं? करीब 15 बरस ऊपर हो गया। अच्छा, 15 बरस है। आप करते क्या? करते थे मजदूरी। अच्छा, मजदूरी कितना मिलता था एक दिन का दिहाड़ी आपको? 300 रुपया। 300 रुपया तो वही पैसे काट करके जमा करते थे कि और कहीं से आपकी आमदनी? वही पैसा काट करके जमा करते थे। कहाँ जमा करते थे? सारा इंडिया में। मैंने डेली आप देते थे या मंथ में देते थे? मंथली देते थे। कितना महीना में देते? डेली भी देते थे। अच्छा, खाता चलाते थे आप? दो गो चलाते थे। तो डेली वाला कितना देते थे आप? डेली वाला 20 रुपया। मैंने डेली 20 रुपया देते थे और महीना वाला? महीना वाला आपका 1500 रुपया देते थे। 1500 रुपया। हाँ, तो आप महीना में कितना कमा लेते थे? महीना में कमा लेते थे 8000-9000। अच्छा, 8000-9000 रुपया आप कमा लेते थे 300 रुपया के हिसाब से। हाँ, तो जिसमें आपके बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चे 4 हैं। अच्छा, लड़के लड़कियां कितने हैं? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का और 2 लड़की। तो दोनों लड़कियों के आपने शादी करवाए या अभी छोटी है? शादी के नाम पर तो जमा किए थे। अच्छा, शादी के नाम पर आपने जमा किया था पैसा सहारा इंडिया में? हाँ। मगर वो अभी पैसा आपको जब पता चला कि अब पैसा मेरा डूब गया, तो फिर क्या किए उस समय आप? हम लोग एजेंट से संपर्क किए। अच्छा, एजेंट से बोले कि हमारा टाइम पूरा हो गया है। अच्छा, हमारा पैसा दिवाइए। हाँ, वो बोला कि पैसा तो सरकार रोक कर रखा है, उस पर केस कर दिया है। अच्छा, सहारा इंडिया को जो मेन मालिक है उसी को केस में नाम डाल दिया है, केस में झुरा दिया है। तो अब केस जीतने के बाद नहीं मिलेगा। अच्छा, सरकार बोले सरकार को फेंक दिया। मैंने एजेंट? हाँ, एजेंट। अच्छा, ऐसा करके बोला गया? हाँ, कि सरकार। लगभग आपने कितने सालों तक जमा किया? करीब 6-7 साल जमा किया। कितना पैसा आपका टोटल हुआ? टोटल दोनों मिलाकर 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख रुपया के आसपास। तो 1.5 लाख रुपया आपका अभी सहारा इंडिया में है। आपको उम्मीद है या सरकार पर विश्वास है कोई वो पैसा आपको मिल जाएगा? ऐसे तो उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, अगर उम्मीद हम लोग 5 तारीख तक रखे हैं। अच्छा, नहीं तो हम लोग सहारा इंडिया का जो मैनेजर साथ बैठक किए हैं ओबरा में, सारा इंडिया का बैंकों में, अगर 5 के बाद अगर हम लोग का पैसा नहीं मिलता है, अब उस पर क्या फैसला आता है? अगर फैसला जनता के बीच में आ जाता है तो ठीक है, ना आता तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, हाँ, मैनेजर लेकर के सारा इंडिया परिवार को लेकर के हम लोग पैसा जमा करने वाले, हम लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। अच्छा, अच्छा, वो इंतजार 5 तारीख का ही देखा जा रहा है। अच्छा, अच्छा, हाँ, हम लोग यही जनता निर्णय बना है। सरकार निर्णय ले लेती है, कोर्ट का निर्णय हो जाएगा कि नहीं पैसा दे दिया जाए, तब उस समय आपके मन में तो लड्डू जरूर फूटे। बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि मैंने पैसा मैंने दिवा दिए, वरना तो मुर्दाबाद भी करेंगे। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, इसमें आप सबसे ज्यादा एजेंट को पकड़े, मगर एजेंट को बेचारा पैसा जमा कर देता है। एजेंट तो जिस तरह से अपना रोजी रोटी हम लोग 300 रुपया पर डे मजदूरी करके पैसा जमा किया, उसी तरह उसका भी रोजी रोजी था, वो भी 10000-15000 महीना में कमाता था। पहले भी सारा इंडिया में पैसा मिल जाता था, उसी विश्वास पर हम लोग जमा के, कोई कोई ऐसा पैसा हुआ था कि जो कि पूर्व जाने के बाद हमको मिला है। मैंने कोई कोई ऐसा आप निकाले भी? हाँ, निकाले भी है। निकाले और डाले भी हैं। हाँ, बाकी कुछ पैसे आपको जो फंस गए? हाँ, वो हम उम्मीद जरूर है कि आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब तो 5 तारीख के बाद ही बताएंगे, उम्मीद क्या करते हैं, क्या करेंगे। अभी एक विश्वास है कोर्ट पर, मैंने विश्वास रखते हैं कि गरीब का पैसा है, उसके लिए तो कोर्ट निर्णय करेंगे ना, करेगा ना कि क्या गरीब को पैसा दिया जाए कि ना दिया जाए, यह कोर्ट का विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपके तक अच्छी खबर हम सुनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।